So, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी से। So, आ चुका हूँ मैं सैटरडे स्पेशल वीडियो लेकर माय सब्सक्राइबर्स स्टोरी टाइम। So, ये स्टोरी है सेलर अभिषेक भाई की। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। So, उस दिन की बात है जब मैं गांव जा रहा था, वो भी रात में। गांव नहीं मालूम, विलेज मतलब नानी का घर। तो सफर के बीच में ही मैं एक जगह रुका अपनी फैमिली के साथ, एंड वहां पर ज्यादा नहीं, यही कुछ 2 या 3 बज रहे थे। एंड हम लोग उधर चाय पीने उतरे, थक गए थे ना सभी लोग, एंड ड्राइवर को नींद भी आ रही थी। सो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे, एंड यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। एंड फिर एकदम से मेरे को पीछे से एक आवाज़ आई। सो मैंने जब आवाज़ सुनी तो मेरे को थोड़ी अजीब सी लगी, मतलब समझ सकते हो आप लोग, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। तो मैं पीछे मुड़ने जा ही रहा था, देन वो चाय वाले अंकल ने मेरे को वहाँ पर तुरंत रोक लिया, बोला कि पीछे मत देखना। बट यार, बचपन में तो आप लोग जानते ही हो जो चीज़ के लिए मना करा जाता है, अब हम तो वही करते हैं। एंड फिर मैंने देख लिया पीछे, एंड पीछे मुड़ने के बाद जो मैंने देखा ना यार, उस पर आप लोग विश्वास ही नहीं करोगे। मेरे मुंह से इतनी खतरनाक चीख निकली ना यार कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं पूरा शिवर कर रहा था भाई, मतलब मेरी पूरी बॉडी कपकपाने लगी। मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी, मतलब एक लड़की, वो भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, जो कि कंटिन्यूसली मेरी तरफ बढ़े जा रही थी, मानो मेरे को पकड़ने आ रही हो। एंड मैं बहुत तेजी से चिल्लाया, भाई लोग आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज्यादा तेज। ऐसे सिचुएशन में तो किसी की भी वाट लग जाएगी भाई लोग। एंड तभी तो मैं बच्चा था, वो भी छोटा सा। एंड यार, पापा ने मुझे ही डांट दिया क्योंकि मैं चिल्लाया, भाई इसमें मेरी क्या गलती थी। एंड फिर मैंने पापा को सारी चीजें बताई, एंड उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे को संभाला। एंड फिर दूसरे दिन हम गांव पहुंच गए, एंड फिर मैंने अपने गांव वाले लोगों से, अपने दोस्तों से, एंड अपनी नानी से ये सारी बातें डिस्कस करी। एंड मेरी दादी ने बोला कि वो सब रियलिटी नहीं थी, वहां पे उस रास्ते पर मेनली ऐसे इल्यूजंस होते रहते हैं। एंड मैं सिर्फ अकेला नहीं था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये इल्यूजन हो चुका है, मतलब एक भ्रम टाइप का होता है, इट्स नॉट रियलिटी। एंड फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसा सब कुछ जब हो, कुछ भी आवाजें वगैरह आए, तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। सो बस स्टोरी खत्म। एंड यार, अभी मेरे को बताओ आप लोग कमेंट में कि कैसी लगी स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर की, एंड इससे हमें क्या सीखने को मिला। मैं बताता हूँ कि यार, जब भी कोई बड़ा हम लोगों से कोई चीज कहता है ना, तो यार हम लोग को मान लेना चाहिए। जैसा कि अभिषेक भाई से वो चाय वाले अंकल ने बोला था, मत मुड़ो पीछे भाई, एंड इन्होंने बात नहीं मानी, मुड़ गए पीछे, तो यार इनके साथ ऐसा सब सीन हो गया। बट फिर भी यार, बहुत डेयरिंग है अभिषेक भाई, मैं अगर होता इनकी जगह पे मैं तो बेहोश हो जाता। तो फिर बस यही थी स्टोरी टाइम वीडियो हमारे सब्सक्राइबर की। तो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरी सी भी पसंद आई, एंड अगर इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हो आप लोग, लाइक करो एंड तुरंत सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी अपनी स्टोरीज शेयर करनी है, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जाकर फॉलो करिए, एंड जो भी स्टोरी हो शेयर करिए, डीएम करिए डायरेक्ट मेरे को। तो फिर बस अभी मैं चलता हूँ, अब नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो आएगी नेक्स्ट सैटरडे को। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।